हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में हमने क्या किया? लास्ट में हमने किया था डेफिनेशन ऑफ मोड। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? लास्ट में हमने मोल की डेफिनेशन, ठीक है, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और हम बात करने का ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। सो अब ये ग्राम एटॉमिक मास क्या, ये समझना है हमने, ठीक है। सो आप लिखिए डेफिनेशन, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। आप सुन लें, सबसे पहले इसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी हम देखें। आप ध्यान दीजिएगा, इसकी अल्टरनेटिव सुनते जाएगा। सो डेफिनेशन में लिखा, द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटॉमिक एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। आई होप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही, ठीक है। अब सुने आप, एक मोल एटम्स का मास जब उसको जो है रिकॉल करता ग्राम एटॉमिक मास। अब यहां पर एग्जांपल लेके मैं बात, एग्जांपल लेके बात तो आपको बात ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगी, ठीक है। एग्जांपल और ऑक्सीजन एटम्स, हम ऑक्सीजन एटम्स के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। सो जब ऑक्सीजन एटम्स की इंटरेक्शन आ रही है, ठीक है, अच्छा सुने। सो फॉर ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के लिए बात कर रहे हैं, पहली बार मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना, 16 AMU था। तो इसको अगर लिखना हो, 16
1.67 into 10 raised to power minus grams. So you are, are you getting this point out? चलो आपके रिस्पॉन्स में सुनता हूं, ठीक है? पहले मैं थोड़ा सा और बता दू, एक एटम का मास 16 EMU होता है, इसको ग्राम्स में लिखेंगे तो कितना आएगा, ठीक है? अब इसके बाद देखिए, हमने कहा था एक मोल एटम का, सो मास 1 mole atoms of oxygen, कितना 16 × 1.67 into 10⁻²⁴6.02 into 10⁻³ grams. बोलो सही बात है कि नहीं? इतने ग्राम्स आएगा जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ आपको समझ में आ रहा है? ओके, और इसी को हम जो है कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमने कहा था मास ऑफ वन को दैट इज ऑफ एटम, तो एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास इज ग्राम एटॉमिक मास होगा. और सुन ले, कल का लेक्चर आपने लगाया, आप एक बार, हाँ मैं बता रहा हूँ, मान लो मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ. कल हमने किया इसका इनवर्स, ये वैल्यू इसका इनवर्स जो है ये, जब मैंने मोल की वैल्यू निकाली, दैट मींस दिस इनटू दिस विल बी 1, ये जो वैल्यू है ये 1, क्योंकि ये दूसरे के इनवर्स, तो ऐसे में आपका आंसर आ जाएगा. अब सुनो दोबारा से मेरी बात, सभी को, ठीक है? बहुत जरूरी एस्पेक्ट है. पहली बात यहां पे ऐड कर, देखो आपने ग्राम वर्ड पहले सुन रखा है, लोअर क्लासेस में भी आपने ग्राम वर्ड सुन रखा है. सबसे पहले बात बताओ, मेरी आवाज आपको क्लियरली पहुंच रही है? क्लियरली पहुंच रही है सब तक मेरी आवाज? ठीक है, I'm seeing of your responses. ठीक है, सुन लो, अब सुन. अच्छा, ईशान कह रहा है थोड़ी कट, ठीक है, देखते हैं थोड़ी देर बाद में फिर से पूछूंगा, ठीक है? अच्छा, अब सुनिए आप मेरी बात, मेरी बात को ध्यान से सुनिए. ग्राम एटॉमिक मास, मैं पहले बता दूं, ग्राम जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं अब तक, हमने ये पढ़ा है कि ग्राम का मतलब, ग्राम का मतलब वेट से, एक ग्राम मतलब जो है, ठीक है, एक केजी का 1000 का. लेकिन केमिस्ट्री में ग्राम का एक और मतलब जो आपको अब तक नहीं पता, मैं बताने जा रहा हूं. केमिस्ट्री में इस ग्राम का और मतलब है, ग्राम का मतलब है मोल, ग्राम का मतलब है मोल. जैसे कल सबसे लास्ट में मैंने क्या कहा, कल वाले लेक्चर में मैंने सबसे लास्ट में कहा था कि 1 mole इज आल्सो कॉल्ड 1 gram एटम, 1 gram मॉलिक्यूल, 1 gram आयन. सो दैट मींस 1 mole ऑफ आयंस, 1 mole ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 mole ऑफ एटम्स, है ना? सो ग्राम जो है वो मोल भी सिग्निफाई करता है, दो अलग अलग बात, ठीक है ना? लेकिन ग्राम जो है केमिस्ट्री में, ग्राम का मतलब मोल से भी रिलेटेड. जैसे आपने सुन लो, जैसे आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस केमिस्ट्री में भी होता है, एटम में भी न्यूक्लियस होता है और सेल में भी न्यूक्लियस होता है. बायोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं सेल में न्यूक्लियस वो भी होता है, दोनों न्यूक्लियस अलग अलग, लेकिन न्यूक्लियस टर्म इज कॉमन. तो वैसे ही वेट वाला ग्राम अलग बात होती है, मोल वाला ग्राम अलग, मोल को ग्राम भी लिखा जाता है, ठीक है, ये समझ जाइए. सो मतलब ग्राम एटॉमिक मास हुआ
एक मोल एटम्स का मास, एक मोल एटम्स का मास है, दैट इज कॉल्ड ग्राम मास। और दूसरी रेगुलेशन पहले देखिए, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स की अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहा जाएगा, या एक मोल के एटम्स का मास का। हमने एग्जांपल लिया ऑक्सीजन, एग्जांपल ऑक्सीजन का लिया, हमने कहा एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, 16 केएमयू। ये सभी जानते हैं 16 केएमयू होता है कल के लेक्चर से। तो 16 केएमयू का मतलब है 16 कितने ग्राम, 16 into 1.67 into 10 is for minus 24 ग्राम, कितने ग्राम। उसके बाद और क्योंकि एक मोल एटम्स का मास देखना है, तो एक मोल एटम्स का मास कितना होगा, दैट इज 16 एएम इनटू ग्राम का मैग्नेटिक नंबर इनटू एवोगैड्रोस नंबर। सो और ये जानते हैं दिस वैल्यू, दिस वैल्यू दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो इनको मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए। तो जब 1 आ गया दिस इनटू दिस, तो 16 ग्राम रह जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, मानव ज्योत को यही समझ में, मानव ज्योत तो कल वाले लेक्चर को देख एक बार, कल वाले लेक्चर में जब मैंने मोल में कहा 1.67 into 10 raised to minus 24 is equal to 6.02 into 10 raised to 24, ये कहा था कल वाले लेक्चर में मैंने ये बात कही। सो जब इसका इसका इनवर्स जो है ये है, हाँ अब आ गया मान। सो इसको इधर ले आओ, सो दिस इनटू दिस शुड बी इक्वल टू 1, सही है बात। तो इसलिए ये 1 हो गया, तो ये 16 ग्राम, ठीक है, सबको समझ में आ गई। मैं मिटा सकता हूँ, कोई ऐसा हो जिसको समझ नहीं आई। चलिए सुन ले अब बात को हम लोग और आसान कर रहे हैं। बात को मैं कैसे आसान, यहां पर मुझे मैं तुम्हारे घर पर यहां पर एलिमेंट उसका रिलेटिव एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक मास और लास्ट में उसका ग्राम एटॉमिक मास, क्या क्या होगा और तीनों में रिलेशन क्या है वो देखते हैं। सो एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है 1, तो उसका एटॉमिक मास हो गया 1 AlB, और ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम, ठीक है। अच्छा, और ऐसे ही हीलियम है, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास का एटॉमिक मास हो गया 4 AlB, उसका ग्राम एटॉमिक मास हो गया 2 ग्राम। ऐसे ऑक्सीजन 16 आ गया, समझ आ गई बात, तीनों की रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास, तीनों में रिलेशन समझ में आई कि नहीं। सर सारे सेम ही लग रहे हैं, बस यूनिट कंफ्यूज करता नहीं, लेकिन सुनो सेम ही होंगे। अगर तुम्हें कुछ और समझ नहीं आ रहा, जैसे आज वैसे मैं पिछले कल का लेक्चर भी अपलोड कर चुका, अगर तुम उस लेक्चर को देख, सारी चीजें अलग और मैंने डिराइव करके कराई, जैसे ऑप्शन का 16 जो है आज डिराइव करा, मैं तीनों का डिफरेंस बता दूं, रिलेटिव एटॉमिक मास आपको बता दूं तो मां किससे कितना हैवियर, जैसे हीलियम हाइड्रोजन से 4 गुना हैवियर है, हाइड्रोजन को हमने 1 का सब्स्टिट्यूट किया तो 4 आ गया, ये 16 टाइम्स हैवियर है 16 आ गया।
फिर एटॉमिक मास एएमयू में, ठीक है, ये कल डिराइव किया, ठीक है, और ये आयन में डिराइव कर, ठीक है, और किसको डाउट है, फिर से मनन, मनन को डाउट है, ठीक है, राजा मनन, अच्छा अरविंदर की ओके अच्छा चलो मानव जो उनको अब आप डाउट सुन, तो अगर आपको डाउट होगा भी ना, आपने जो है सुन लीजिए, अगर आपको डाउट होगा भी, ठीक है, आपने मुझे क्लास में बता दिया, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा कल का, जिसमें कि कल आप मेरे से डाउट पूछने आ सकते हैं ऑफलाइन, ठीक है, आप क्लास के मिड में बात कर, ठीक है, हाँ नमन कहीं देखो ये कंफ्यूजिंग लगेगा, आप एक बार मेरे पास आ जाना ऑफलाइन, कल आ जाना, मैं आपको टाइम दे दूंगा कल, ठीक है, आपने आ जाना और मैं जो है आपके डाउट्स क्लियर करके आपको आपको बिल्कुल क्लियर, ठीक है, मैंने तो पहले ही बोला था, मैंने कल ही बोला, ठीक है, लेकिन काफी लोगों को क्लियर भी हो, काफी लोगों को जो है ये चीज, हाँ मानव जो तुम्हें नहीं आया, ठीक है, क्लास के एंड जैसे मैं बात करता हूँ कि कल कब आपने आना, ठीक है, मैं आपको ऑफलाइन जो है करवा दूँ, ठीक है, 10 मिनट की बात है, ठीक है, 10 मिनट में आ जाएगा, सुन ले, अब ध्यान देते रहिए मेरी बात पे, ठीक है, हमने हम अभी एटम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया, राजा मानव ने आंसर दे दिया, मुझे बिल्कुल सही है, क्या बात है, कृतिका का भी सही आंसर, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स, अरविंदर का भी सही है, ओके, सभ्यता वर्मा राइट, सभी लोगों का राइट जा रहा है, बिल्कुल, तरणदीप का भी राइट है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, मानव का भी सही है, नाइस नाइस, क्या बात है, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया कर रहे हो, ठीक है, वो टर्म्स इतनी क्लोज है ना कि आपको कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन जो है वो बार बार जब पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस लग जाएगा, कि अभी तक आपने ये चीज पढ़ी नहीं है, जबकि आपने ये सारी टर्म्स पढ़ी हो, ठीक है, रिदम का भी राइट है, सही बात, चलिए ओके, ईशान पंडित नाइस, तो हमारा आंसर है जी 96, अब 96 कैसे है देखते हैं, देखो हम इसको सॉल्व कर, तो अगर If relative atomic mass of sulfur is 32, so gram atomic mass of sulfur ka 32 gram, is it okay? ठीक है, इसका मतलब ये होगा, one mole atoms of sulfur weigh
एक मोल सल्फर का गेन कितना होगा 32 ग्राम, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास को मैंने कहा था इट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, सो एक मोल सल्फर के एटम्स का मास है 32 ग्राम, और आप जानते हैं 3 ग्राम एटम्स का मतलब 3 मोल्स, सही बात है कि नहीं? 3 ग्राम एटम मींस 3 मोल्स, कल कहा था मैंने, नाउडेज ग्राम एटम मोल इज आल्सो कॉल्ड ग्राम एटम ग्राम मोल, तो इसका मतलब एक मोल का भार अगर 32 ग्राम है, सो 3 मोल का वेट कितना होगा 3 × 32 ग्राम, मेरी बात आपको समझ आ रही है? समझ आ रही है कि नहीं? सबको समझ में आ गई? नाइस, आगे बढ़ू? चलो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। How many gram atoms of sulfur are present in 144 gram of sulfur? How many gram atoms of sulfur are present in 144 gram of sulfur? और सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास को आपको पता है ये 32, तो आपको बताना है कि कितने ग्राम एटम सल्फर के होंगे 144 ग्राम ऑफ सल्फर। देखिए और टाइम, हमें कोई जल्दी नहीं, आराम से करेंगे। क्या बात है, यूनिट मत लगा हरियाज, आगे ग्राम मत लिख, यूनिट है वो, जी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्राम एटम का मतलब क्या होता है मोल्स, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट। सही बात है, आयुष्मान ने सही आंसर दिया है, ईशान गलत है। सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 144 ग्राम ऑफ सल्फर, बिल्कुल सही, केशव ने भी सही आंसर दिया, ठीक है, हरविंदर ने भी सही आंसर दिया, नाइस। अब सुने आप मेरी बात, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखो, आपको पता है फर्टी टू ग्राम ऑफ सल्फर एस ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर नहीं, ये भाई अगर सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास 32 है तो 32 ग्राम सल्फर में एक मोल सल्फर का हो, सही बात है भाई, एवोगाड्रो नंबर ऑफ सल्फर एट 2 ना 32 ग्राम में, अभी ग्राम एटॉमिक मास की हमने डेफिनेशन, सो 32 ग्राम में होगा एक, सो 144 ग्राम आपको मेरी बात समझ में आई? देखो कई लोगों को कंफ्यूजन आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन जितना आप रिवाइज करोगे उतना जो है आपको
समझ में आता है। भाई देखो मैंने बात कहां से पकड़ी, मुझे पता है सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास 32, ये मेरे दिमाग में पहले से है, गिवन है, आपको बता दिया कि आप इसको यूज कर सकते हैं। सो इसका मतलब 32 ग्राम में एक मोल सल्फर एटम, सो मतलब 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम, सो 32 ग्राम ऑफ सल्फर है ग्राम एटम ऑफ सल्फर इक्वल टू 1, एक मोल, सो 144 ग्राम है 4.5, दैट इज योर आंसर। सही है, सही है बात की नहीं? ओके आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चल गिवन मास और मिनिमम मास कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने वो फार्मूला नहीं कराया, क्योंकि मैंने फार्मूला नहीं कराया इसलिए मैं उस फार्मूले को यूज नहीं कर रहा, अदरवाइज ये और भी आसान हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में मैं आपको फार्मूले कराने वाला हूँ, ठीक है? अभी हम भी छोटी छोटी डेफिनेशन से प्रोसीड, चलिए अब हम एक और छोटी डेफिनेशन, क्या छोटी डेफिनेशन हमने पढ़ रखा है, हमने टर्म पढ़ रखी है मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल को हम कैसे डिफाइन करें, मॉलिक्यूल को हम कहेंगे इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जिसका की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इज इट ओके? अब जो मॉलिक्यूल है सुन लिया बात, उसके फर्दर दो पार्ट, एक एलिमेंट्स और दूसरे कंपाउंड्स, ठीक है? देखो बड़ी छोटी छोटी बात जो हमने 8th-9th क्लास में पढ़ा है हम उसकी बात कर रहे हैं। सो मॉलिक्यूल के दो पार्ट होते हैं, एक एलिमेंटल मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड वाला। अब एलिमेंट्स सुन ले आप, सबको मेरी बात सुनाई दे, क्लियरली सुनाई दे, मेरी बात टफ तो नहीं लग रही यार? आसान बोल रहा हूं, सभी ने ये तीनों टर्म सुन रखी है पहले, मॉलिक्यूल एलिमेंट एंड कंपाउंड, तीनों टर्म्स आपने लोअर क्लास में सुन रखी। मैं तीनों को ज्यादा बेटर वे में आपको डिस्टिंग्विश करके बता रहा कि मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड। अब एलिमेंट, एलिमेंट में आप जैसे H2, आप जानते हैं H2 मॉलिक्यूल अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, H2 गैस बोलते हैं, है ना? तो H2 गैस का मॉलिक्यूल इधर उधर आराम से घूम सकता है, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। और दूसरा जैसे जो हीलियम गैस है उसका सिंगल एटम अकेले घूम सकता है, क्योंकि वो नोबल गैस है
वो गैलियम आपने नहीं सुना होगा, Hg2 नहीं सुना ना आपने, आपने क्या सुना है Hg, गैलियम अकेला है, H2 में दो एटम, सही बोल रहा हूं मैं, ऐसे O2 ठीक है, ओजोन ठीक है, P4 S8 etc. ये जो सारे एग्जांपल दिखाई दिए आपने, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते, कुछ नाम आपने सुने हैं, कुछ नहीं भी सुने, जैसे P4 फास्फोरस 4 यूनिट्स का, ठीक है। अच्छा कंपाउंड्स के एग्जांपल देखते हैं, सबसे सिंपल कंपाउंड है वाटर, आपने और पढ़ रखा है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते, सही है बात है ना, इंडिपेंडेंट, जैसे HCl आपने सुपर पाया, सो इस तरीके से जो है ये एलिमेंट्स हो गए, ये कंपाउंड्स, क्या आपको ये डिफरेंस पता चलता है, जो एलिमेंट्स होंगे उनमें सेम तरह के एटम होंगे, कंपाउंड्स में जो है अलग अलग तरह के, एलिमेंट्स में जो है सेम तरह के एटम्स, लेकिन कंपाउंड्स में जो है डिफरेंट तरह के एटम्स, ये डिफरेंस दोनों, ठीक है। अब सुने, देयर इज वन टर्म कॉल्ड एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या हो, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule is called its atomicity. Number of atoms present in a molecule is called its atomicity. एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उसकी एटॉमिसिटी क्या है। एग्जांपल देखिए, यहां पर जैसे ये हो गया मॉलिक्यूल और यहां पर उसकी एटॉमिसिटी क्या है, जैसे हीलियम है तो उसकी एटॉमिसिटी 1 है क्योंकि हीलियम में एक ही एटम, जबकि H2 में और O2 में एटॉमिसिटी है जी 2, या ये लिखे H2 हो गया, O2 हो गया, या HCl हो गया, इनकी एटॉमिसिटी 2 है, 2 ही एटम, सिमिलर भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, और ऐसे हो गया जैसे O3 या H2O, इनकी एटॉमिसिटी होगी E, ऐसे P4 की एटॉमिसिटी 4, H2SO4 की एटॉमिसिटी 4 इंसार 9, S8 की एटॉमिसिटी ये इसकी 7 है 4 1 5, S8 की 8, क्या रिलेट कर पा रहे हैं एटॉमिसिटी को मॉलिक्यूल से, आर यू गेटिंग दिस थिंग, समझ आ गया बिल्कुल क्या बात है। नोट कर लें प्लीज, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, रिपीट कर दो सर एक बार, मैं करता हूं। मैंने कहा मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में लिखी कि मॉलिक्यूल वो पार्टिकल है जिसका इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस, तो मॉलिक्यूल के दो हिस्से एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स में क्या हुआ कि सेम ही तरह के एटम जैसे फॉस्फोरस सल्फर, एटम्स कितने भी हो लेकिन एक ही टाइप, कंपाउंड में अलग अलग टाइप, दूसरी एटॉमिसिटी, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं
टोटल मिला के उसकी एटॉमिक सिटी, जैसे हीलियम में एक ही होता है, तो ये मोनो एटॉमिक गैस हीलियम वन है, ऐसी गैस की इस ऐसे गैस को हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक, तो ये मोनो एटॉमिक। ये जो है दो वाली इट इज डायटॉमिक, ये डायटॉमिक है, तीन वाला ट्राइटॉमिक, इसमें तीन जैसे पूर्ति में तीन है, ऑक्सीजन के तीन एटम्स है, वाटर में हाइड्रोजन के दो है ऑक्सीजन का एक, तो तीन इसमें भी होते हैं, पी फोर में चार, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एसिड में आठ, सही है बात, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास एटॉमिसिटी निकाल, बहुत आसान बात है, समझ आ गई होगी सब। कंपाउंड की एटॉमिसिटी ऐसे हो कि H2SO4 की एटॉमिसिटी 7, वाटर की एटॉमिसिटी 3, सही है बात, वाटर की एटॉमिसिटी 3, उसमें 3 एटम्स हैं मिला, एक ऑक्सीजन का 2 का, सही है बात। तो आपको ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ो। अच्छा अब बात सुनिए, अब नेक्स्ट, अब जैसे हमने एटॉमिक मास किया, देखो हमने तीन टर्म्स सुनिए, हमने तीन टर्म्स एटॉम का रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, सही है बात, सुन लीजिए। जैसे जब एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल होते हैं, ध्यान रखिएगा एटम्स के केस में रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, तो मॉलिक्यूल्स के केस में बोलते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, सही बात है, वही टर्म रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है कि मॉलिक्यूल्स के, है ना। अच्छा, और एटम्स के केस में बोलेंगे एटॉमिक मास, और इसके केस में बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, मतलब मॉलिक्यूलर मास, और एटम्स के केस में बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स के केस में बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मेरी बात समझ में आ रही है, टर्म बिल्कुल पैरल, और मैं इसी पैरलर टर्म को बता भी रहा हूं, अभी टेबल आपको क्लियर, जैसे हमने एटम्स के केस में टेबल बनाया था, अब हम मॉलिक्यूल्स के केस में भी बना सकते हैं, मॉलिक्यूल रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट कह लीजिए और ग्राम मॉलिक्यूलर, सुन ले आप मेरी बात। सो जैसे मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल इज 2 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन, तो उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आ गया 2, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या आ गया 2 kMa, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया 2 ग्राम, बोलो सही है बात कि नहीं, सही है बात। जैसे एटम्स के केस में लिखा था, वैसे मॉलिक्यूल के केस में जो है सेम टेबल सेम चलता जाए, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड 44, ऑक्सीजन 16, 32, और 44 AMB and 44 grams,
ठीक है, ऐसे कुछ भी ले लेता हूं, C6H12O6, ये क्या है, ये ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का क्या रहेगा, 180 180 है, कैसे करते हैं 180 कैसे करते हैं, यही करते हैं 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 16 = 180। आपको सबको मेरी बात समझ में, जो मैंने बात एटम्स के केस में अभी वही चीज जो है रिपीट होती है मॉलिक्यूल। राजा को बहुत बढ़िया समझ में, नाइस, सबको मेरी बात जो है समझ में। तो बोल, माना जो डाउट बोल, मानव जो, मैं तेरे को अनम्यूट करूं, मैं तेरे को अनम्यूट कर रहा हूं अभी अभी, सुन ले, मानव ज्योत को मैं अनम्यूट कर रहा हूं, सारे लोग सुनिएगा बात, कहां पे है मानव ज्योत, मानव ज्योत जी को अनम्यूट, सुनाई दे रही है मेरी बात, मानव ज्योत अनम्यूट करो अपने आप को, बोल 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 सर। मैं पूछा था सर, जो जैसे जो आपने नीचे टेबल बनाया ना, इसमें मॉलिक्यूल रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास था, और ये जो मॉलिक्यूलर मास है सर, उसके अंदर डाउट था मुझे, जैसे H2 है, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 2 है सर। फिर आगे जो सर H2 का समझ आया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का है, फिर इसके मतलब एक मॉलिक्यूल का कार्बन का कितना मास है, और ऑक्सीजन की दो प्लस कर रहे हैं इन दोनों को। नहीं नहीं, जब भी आपने रिलेटिव जो वर्ड लिखा है वो सिंगल हाइड्रोजन के मुकाबले में, हाइड्रोजन को वन माना है पहली बात ये, ठीक है, तो हाइड्रोजन अगर वन है तो H2 कितना होगा, 2 होगा, सही है सर, नो मानव जो, बोल 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 ना, अभी डाउट और ज्यादा क्लियर कर, अनम्यूट कर अपने आप, अच्छा मानव जो अलाउड नहीं हूं, क्यों नहीं हुआ अलाउड, एक मिनट, मैंने अभी तो तेरे को अनम्यूट किया, चल बोल। यस सर, सर वही, सर वही पूछ रहा था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और नीचे ग्लूकोज है सर, इसी का पूछा था, जैसे H2 का तो H मतलब H का एक है और × 2 हो गया सर, जो कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर कार्बन का जो मास होगा 12 और ऑक्सीजन का 16, 32, 44 सर, ऐसे करना है इसके, बिल्कुल ऐसे करना है, बिल्कुल सही समझा, बिल्कुल सही समझा। अब तो नहीं है ना, अभी कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 ऑक्सीजन का 32 हो गया, और 32 का 12 44, वैसे ही ग्लूकोज का 180 निकल आए, डन। तो बीच बीच में म्यूट होता जा रहा है, अच्छा अब सुनो, अब सुनो, तो अब इसके बाद जो है, मतलब हम लोगों ने एक, सुन ले, तो आपको वैसे मॉलिक्यूलर मास वगैरह निकालने का जो है समझ में आ गया, ठीक है, अब आप सुन ले मेरी बात, मैं आपको एक फार्मूला बताता जा रहा हूं साथ में, ठीक है, फार्मूले कुछ हम बनाएंगे, एक वाई मैप भी बनाएंगे,
सुन लो, अगर आपके पास यहां पर, यहां पर क्या है हमारे पास, मान लो मोल, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं किसी सब्सटेंस, ठीक है, नंबर ऑफ मोल को अगर हमने जैसे नंबर ऑफ मोल्स को हमने नंबर ऑफ एटम्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंज करना हो, नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ एटम्स, आपको पता है एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स एक मोल में, तो आपके पास जितने नंबर ऑफ मोल्स हो अगर आप उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं, जैसे मान लो, सुन लो, जैसे मान लो आपके पास डजन है, मान लो आपके पास दो डजन बनाना है, तो कितने बनाना है, दो इंटू 12, सो वही एक डजन में कितने बनाना होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 24 बनाना है। वैसे ही एक मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल है उसको आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल में नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल आपके पास कितने वो आ जाएंगे, सही बात है, सही बात है कि नहीं, बोलो सही बात है कि नहीं, सही है, सॉरी भाई, मेरे पास मान लो पांच मोल है किसी चीज, मान लो पांच मोल हाइड्रोजन एटम्स के, इसका मतलब क्या होगा, 5 × एवोगाड्रो नंबर करूंगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यही मतलब होगा, और अगर नंबर ऑफ एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है उसको अगर हम एवोगाड्रो नंबर से कनेक्ट नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, सो वी विल गेट नंबर ऑफ मोल्स, सही है बात कि नहीं, जैसे मान लो मुझे लगता है आ गई बात इतनी, ठीक है, सुन लो, और नंबर ऑफ मोल्स का मास से रिलेशन कैसे, कार्बन के एक मोल का मास कितना हो, 12 ग्राम, सही बात, एक मोल कार्बन एटम्स का मास है 12 ग्राम, सो दो मोल का कितना होगा, दो मोल का कितना होगा, 24, तो इसका मतलब कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई करूंगा ग्राम एटॉमिक मास और अगर मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो मुझे मास आ जाएगा, सुन लो, जैसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, 12 ग्राम, तो अगर मेरे पास दो मोल है तो उनका मास कितना होगा, 2 × 12, या सुन लो और एग्जांपल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूल मास होता है 44 ग्राम और मेरे पास जो है दो मोल कार्बन डाइऑक्साइड, कितना मास होगा, 2 × 44 = 88 ग्राम, सही बात है, तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को जीएम या जीएमएम से मल्टीप्लाई करता हूँ मुझे मास आ जाएगा उस सबसे, सही बोला कि नहीं बोला, सही बोला ना, और अगर उल्टा करना हो तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा ग्राम एटॉमिक मास से या डिवाइड करना पड़ेगा ग्राम मॉलिक्यूलर
ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सही बात है, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना, इज इट ओके? सही है बात। चलो अभी कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। कुछ जरूरी फॉर्मूले, जरूरी फॉर्मूले, हमें कोई जल्दी नहीं है आगे बढ़ने की, आराम से करेंगे, ठीक है? हमें बिल्कुल जल्दी नहीं करनी। आप फॉर्मूले, मैं कोई नए नहीं बता रहा हूं, इसी से फॉर्मूला बना, सुन लो। पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ आर इक्वल अपॉन ग्रेविटी। सही बात, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? जैसे जैसे सुन लो, मैं एग्जांपल देके कह देता हूं, हर फार्मूले को एग्जांपल देके बता देता हूं। इसका एग्जांपल है पाई नंबर ऑफ मोल्स की, सुन ले, एक नंबर ऑफ मोल्स 30 ग्राम ऑफ कार्बन। इस फॉर्मूले को हम कन्फर्म, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 30 ग्राम ऑफ कार्बन, इसका सॉल्यूशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आर इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय ग्राम ऑफ मास, ठीक है? सो 2.4। सही बात है, सही बात, समझ आ रहा है? फार्मूला समझ में आ रहा है? एकदम से समझ आ गया? सटीक एग्जांपल दे दिया मैंने, ठीक है? सुनते जाओ। और आप ये भी जानते हैं नंबर ऑफ एटम्स कैसे लिखा, दे विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर्स। कितने एटम है, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो, जैसे एक मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स हो, तो दो मोल में कितने होंगे, टू इंटू एवोगाड्रो नंबर, तीन में कितने होंगे, थ्री इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो जितने भी मोल्स दिए होंगे उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है? एग्जांपल भी देता हूँ अभी, लेकिन अभी नंबर ऑफ मोल्स ये जो वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो जैसे हम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा, इस फार्मूले को समझने के लिए, इस फार्मूले को समझने के लिए मैं इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा। देखिए हम लिख रहे हैं फाइव नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 30 ग्राम ऑफ कार्बन, फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 30 ग्राम ऑफ कार्बन। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? देखो इसका सलूशन कैसे करेंगे, यही फार्मूला के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर इक्वल टू वेट कार्बन का कितना दिया है 30, एटॉमिक मास बार इनटू 6.02 इनटू 10 बार 3 क्या आ जाएगा
0.5, so 2.5 into 6.0 into 10 is 1.3. ठीक है, आएगा ऐसे कि नहीं? बिल्कुल सही, मानव बुद्धि ने सही कहा। अब ऐसे हमारा ठीक है, सो ये फार्मूला भी अपना हो गया, दूसरा फार्मूला भी अपना हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ओके, चलिए ये आप कैलकुलेट कर लेना, इसको कैलकुलेट कर। ठीक है, इसी का है, इसी का दूसरा फार्मूला मॉलिक्यूल का, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बेटा ऑन जीएमएम एटॉमिक नंबर में, एटम्स के केस में एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल्स के केस में मोलर मास होगा जीएमएम। आई होप बात समझ में आ रही है आप। नोट कर लें, अब एक सवाल करेंगे तो बात बनेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा टेढ़ा सवाल, ठीक है, मुझे जवाब दीजिएगा आप लोग, नहीं तो फिर मैं सवाल करूं, इसको मैं सॉल्व करूं। क्वेश्चन देखना, घबराइए मत, नहीं आएगा समझ, मैं हूं ना, मैं करवाऊंगा आपको, बोल चिंता मत कीजिए। आप नोट करें क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को आराम से देखिए, करवाना मेरा काम, आप चिंता मत कीजिए, पर आराम से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन ये है कि सैंपल ऑफ इथेन हैज सेम मास एज 10/7 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, हाउ मेनी C2H6 मॉलिक्यूल्स डज द सैंपल कंटेन। मतलब एक सैंपल है इथेन का जिसका भार उतना ही है ना कि 10^7 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन का होता है, आपको बताना है उस सैंपल का उस में कितने इथेन के मॉलिक्यूल। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए, मैं आपको 7 मिनट दे रहा हूं, 7 मिनट्स दे रहा हूं उसको सॉल्व करने के लिए, उसके बाद मैं करवा रहा हूं। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। हां, वेटिंग।
हाँ जी बच्चों, आया आंसर? क्या बात है यार अक्षित, जबरदस्त, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, खुश कर दिया तुमने। नमन गुप्ता, नहीं तरनप्रीत का नहीं है। एक मिनट मैं देखता हूं, एक मिनट। मुझे चैट में चेक कर, क्योंकि मैं तरनप्रीत का भी सही है, तरनप्रीत का सही है, मानव ज्योत का सही है, अक्षित का सही है, नमन का सही है, ठीक है, मानव ज्योत का सही है, बिल्कुल सही, ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस। ठीक है, सो हमारा आंसर है 5.34 × 10⁶, 5.34 × 10⁶। अब किस तरीके से ये होगा, ठीक है, ये देखते हैं, ठीक है, सारे लोग मेरे साथ करने लगेंगे, आज का लास्ट सवाल यही है, इतना ही करेंगे हम, ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान से समझ सुन, तो एक बात को यहां से क्लियर है, वेट ऑफ C2H6 इज इक्वल टू वेट ऑफ, भाई दोनों का वेट तो बराबर का है ना, ठीक है, अब आप जानते हैं यहां पर वेट ऑफ इथेन कितना होगा, अभी मैंने आपको कहा कि अगर वेट निकालना है, हमने आपको ये कहा था ये नंबर ऑफ मोल्स, अभी लिखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन आर इक्वल पहले फार्मूला को देख लीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन आर इक्वल टू वेट ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इनटू एवोगाड्रोस नंबर, इजी टू, ये है ना फार्मूला, यही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन वेट अपॉन ग्रैम सीएमएम पीको ग्राम, अभी लिखा हूं, अभी लिखा, ठीक है, सो इसको रियलाइज करें, सो वेट ऑफ मीथेन दैट इज इक्वल टू आएगा नंबर ऑफ molecules of A into GMM of A upon Avogadro's number. So, ये हो गया number of molecules of A and it's per 7. Molecular mass B कितना हो गया 16. Avogadro's number S. ये हो गया वेट ऑफ मीथेन, सुन ले, वेट ऑफ मीथेन हो गया, सो अभी हमने कहा कि मीथेन और इथेन का वेट बराबर होगा, ठीक है, सो दैट मींस, सुन सुनते हैं, अब यहां पर हमसे पूछा है कितने मॉलिक्यूल्स जो है इथेन के, इसका मतलब नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन विल बी इक्वल टू वेट ऑफ इथेन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H6 into Avogadro's number. So today, और हम जानते हैं ये फार्मूला से यहां लगाया वही यहां लगाया और हम जानते हैं वेट ऑफ इथेन जो है वेट ऑफ इथेन के बराबर है. ये वाला वेट इथेन के वेट के बराबर लेना है, इथेन के वेट के बराबर कितना वेट है. तो इसकी जगह मैं ये कर दैट इज 10^7 into 16 upon Avogadro. बोलो सही लिखा. डिवाइडेड बाय यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ टॉपिक्स से 30 एंड अपॉन एवोगाड्रोस नंबर. बस ये करना है, ये कर दिया ठीक है. अब बस ये भी आपको सॉल्व करना है ठीक है. और मुझे लगता है आराम से सॉल्व ठीक है. So, जब इसको आप सॉल्व करोगे सो यू विल गेट बोलो समझ में आया क्वेश्चन. समझ में आया सवाल. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. समझ में आ गया ठीक है. राजा मानन को समझ में नहीं आया. मैं राजा मानन को स्पेसिफिकली जा रहा हूं. राजा मानन की बोर्ड पे ध्यान दें ठीक है. देखो क्योंकि अब मैं ओवर भी करने वाला हूँ इसको क्लास को ठीक है ना. तो राजा मानन जी ध्यान देंगे. क्वेश्चन लिखा है कि एक सैंपल है कितनी उसका जो भार है वो उतना ही 10^7 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन का हो सेम. तो आपको बताना है कि इथेन के कितने मॉलिक्यूल. सो पहली बात तो ये कहती है कि इथेन और मीथेन दोनों का वेट जो है बराबर. उस बराबर वेट में आपको बताना है इथेन के कितने मॉलिक्यूल ठीक है. सो पहले हम मीथेन का वेट निकाल रहे हैं कि हमने फार्मूला जो है तो पहले रेडीमेड हमारे पास फार्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन आर वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वेट ऑफ मीथेन पर वर्ड नंबर क्योंकि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए ठीक है. ये हमने दिए और हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए 10^7 मॉलिक्यूल्स का भार कितना होगा वो निकालना है. तो 10^7 यहां पे पुट करेंगे एंड नीचे एवोगाड्रो नंबर या मॉलिक्यूल मास तो इतना मास आ गया मीथेन. और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इतने ही मास में इथेन के कितने मॉलिक्यूल. सवाल तो यही है ना. जब 10^7 मॉलिक्यूल्स इथेन का जितना भार है उतने भार में इथेन के कितने मॉलिक्यूल. राजा मानन समझ रहा है. तो ये भार जो है इथेन का. तो अब मैंने इथेन के लिए फार्मूला लिखा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन आर वेट ऑफ इथेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन इक्वल टू और वेट को हम बराबर ले दोनों के वेट्स बराबर है. तो मीथेन और इथेन का अगर वेट बराबर है तो ये वेट जो है हमने इसकी जगह ये पुट कर दिया. इस वेट की जगह ये वेट 10^7 into 16 अपॉन एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूलर मास इथेन का 30 होता है एवोगाड्रो नंबर से कट गया. आंसर सही बात है. सो आज मैं पक्का दोनों लेक्चर अपलोड करूंगा ठीक है. So, आप जो है घर पे जा मतलब इसको रिवाइज करो ठीक है. हाँ बिल्कुल 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 दोनों का होगा आज ही कर दूंगा प्रॉमिस ठीक है. अच्छा अब मुझे बताओ कल आप मेरे से पढ़ने आओगे. कल पढ़ने आओगे मेरे से कितने बजे आओगे. कितने बजे आप आ सकते हो टाइम बताओ मेरे को. सुबह 11 बजे आ जाओगे. सुबह 11 बजे आ जाओगे.
क्या बात है, क्या बात है। सुबह 11 बजे आ जाए। जिस जिसने मोल कॉन्सेप्ट के जिसको डाउट हो वो कल दोपहर को 11 बजे मेरे से आके मिलते, ठीक है। 11 ओके, मिलते हैं कल त्रिकुटा नगर सेंटर पे, त्रिकुटा नगर सेंटर पे।